मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़ाना बीजेपी की मजबूरी या रणनीति। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों को अपनी दूसरी सूची जारी करके मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों के साथ साथ अपने ही संगठन में हलचल बढ़ा दी है। इस सूची ने सबको अचंभे में डाल दिया है, क्योंकि इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। इसकी अटकलें 13 सितंबर से शुरू हो गई थी, जब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। बीजेपी अब तक 78 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची भी 39 उम्मीदवारों की थी, जो पार्टी ने 17 अगस्त को जारी की थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दूसरी सूची से साफ पता चलता है कि संगठन शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या सोच रहा है। मंत्रियों को विधायक बनाने की रणनीति। इस सूची में जिन 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और संगठन के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को शामिल किया गया है, वो प्रदेश में अपने राजनीतिक कद की वजह से मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। ये पहला मौका ही होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी राज्य की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक को उम्मीदवार बनाया, जो तोमर है। वहीं प्रहलाद सिंह पटेल भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह फग्गन सिंह कुलस्ते 33 सालों के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस सूची पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी आश्चर्य व्यक्त किया है। सूत्रों के मुताबिक, जिसमें वो कहते हैं, ये पार्टी का आदेश है, मुझसे कहा गया था कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और मुझे ना नहीं करना है। जब सूची जारी की गई तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैं संगठन का सिपाही हूँ, जो कहा जाएगा वही करूँगा। विजयवर्गीय को इंदौर 1 की सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जहाँ से वो अपने पुत्र के टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे। इस सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थकों के नाम भी हैं, जबकि 11 नए चेहरों को जगह मिली है। वैसे 230 सीटों वाली विधानसभा में अभी तक 78 उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। अभी भी बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने बाकी हैं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी कई और बड़े नामों को मैदान में उतार सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।